हेलो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सारी रिव्यूज, वो भी फेस्टिवल के हिसाब से, जो सुहागनों का एकदम मनपसंद कलर होता है ना, जो कि मतलब सबके इंडियन स्किन टोन के ऊपर ये कलर बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह का कलर इंडियन टोन के ऊपर, स्किन टोन के ऊपर। तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ना बिल्कुल रेड कलर का ये। और ये साड़ी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी क्योंकि इस पे मैंने हैंड वर्क किया था। इस साड़ी पे मैंने थोड़ी बहुत कम उस टाइम बहुत चली थी, तो मैं ये कपड़ा लेके जॉर्जेट का थोड़ा थिक वाला कपड़ा लिया था और उस पे मैंने हैंड से धागे से ना, उस टाइम में ये गोल गोल वाले डिजाइन में बहुत चले थे, तो मैं उससे की थी, तो वो लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको तीज के दिन में पहनने के लिए, जब आप पूजा ना कर रहे हो, नहा के निकले और उस टाइम में आप पूजा की तैयारी के टाइम पे भी नया कपड़ा पहनते हैं हम, तो उसके लिए हमने आपको स्क्रैच से आउटफिट दिखाया, वो भी बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सिंपल और इजी सा, पहनने में भी इजी सा था। तो उसको आप मिडी ड्रेस के भी तरह पहन सकते हैं और फुल भी पहन सकते हैं, पहनने के लिए इसको भी आप मिडी ड्रेस की तरह पहन सकते हैं और फुल सूट भी पहन सकते हैं, पार्टी वेयर भी बना सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्जी वैसे आप पहनिए। तो मैं सबसे पहले आपको साड़ी दिखाती हूँ। तो मेरे पास देखिए फ्रेंड, मैंने आपको ये साड़ी पहले दिखाई थी, ठीक है, और ये चूंकि हैंडमेड साड़ी थी ना मेरी, तो हाथ से मैंने बनाया था, तो ये कपड़ा मैंने थोड़ा ज्यादा लिया था, ठीक है, तो 6 मीटर के आसपास मैंने ये कपड़ा लिया था, ठीक है, तो ये कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा था मेरे पास, तो इसके ऊपर मैंने पूरे पल्लू पे ये काम किया था। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से गोल 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 मैंने चेन स्टिच से ही, सिंपल स्टिच है, चेन स्टिच से किया था, और इसके ऊपर ये ब्लू नग मैंने लगाए थे, बहुत ही अच्छे से लगा था। तो मैं इसको सिल्वर ब्लाउज के साथ साड़ी पहनती थी, लेकिन फिर प्लेन साड़ी था तो फिर मैंने पहनना इसको छोड़ दिया। नीचे से मैंने इसमें सिल्वर कलर का जड़ी लगाया, ये लगाया था, बॉर्डर लगाया था, फिर मैंने इसको पहनना छोड़ दिया, 2-4 बार पहना, उसके बाद मेरा फिर मन नहीं किया तो मैंने यहाँ छोड़ दिया। वैसे ये साड़ी भी अच्छी लग रही थी, पहन के भी अच्छी लगती है, देखिए कलर कितना अच्छा आता है, खिलके आता है, इसलिए मैंने बोला ना तीज अप्रोप्रिएट, क्योंकि तीज वगैरह में, वैसे ये हरियाली तीज है, तीज है तो हरियाली तीज में आदमी जो है वो रेड ग्रीन ज्यादा पहनते हैं, लेकिन इस तीज के साथ आप उस तीज की भी तैयारी कर लीजिए ना, जो हरियाली तीज नहीं ज्यादा मनाते हैं, जो कि भादो वाला तीज, जो हरितालिका का तीज होता है वो मनाते हैं, उसमें तो रेड ही पहनते हैं हम, उसमें करवा चौथ में ये सब चीज में तो हम रेड ही पहनते हैं ज्यादा। तो मेरे पास ये साड़ी थी तो मैंने सोचा एक साथ में मेरे सारे तैयार हो जाएंगे, और ये तीज पे भी ऐसा है, हरा पहनते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हरा भी पहनना है, आप रेड भी, तीज है, यह तीज सुहागिनों का त्यौहार है तो इसमें आप रेड भी पहन सकते हैं और वो भी आपके बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, आप मैंने 3 फेस्टिवल बता दिए आपको, ठीक है, राखी भी है उसमें भी पहन सकते हैं, करवा चौथ हो गया, हरितालिका तीज हो गया, राखी हो गया, तो किसी में भी आप ये सूट पहन सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा। तो ये देखिए मेरे पास ये था, और बहुत चूंकि लंबी साड़ी थी तो इसलिए इसमें से मुझे 2 मीटर के आसपास कपड़ा बच गया है, तो देखते 2 मीटर कपड़े से मैं कुछ और बनाऊंगी, मुझे इससे बॉटम बनाने का मन नहीं था तो मैंने इससे बॉटम नहीं बनाया, क्योंकि इसको मैं रेड पे पहनूंगी तो रेड भी मेरे पास है, वैसे रेड पे नहीं, रेड पे आप तीज वगैरह फेस्टिवल के टाइम में पहनिए तो रेड कैप की है मेरे पास, और व्हाइट भी मेरे पास है तो मैं व्हाइट के साथ इसको पहनना पसंद करूंगी ज्यादा, लेकिन तीज के लिए तो रेड पे ही पहनिए। तो देखिए मैंने इसे ये बनाया है, देखिए ये पूरा ही बूटा जो है ना, इसे पीछे में भी आ गया है, पीछे देखिए बैक पोर्शन है ये, और मैंने इसको जो है ना वैन कॉलर, चाइनीज कॉलर जो बोलते हैं उससे बनाया है, तो उससे बना है ये स्लीव जो है ना, वो मैंने पाकिस्तानी स्लीव डाली है, लंबी नहीं ज्यादा डाली हूँ, लेकिन नीचे से हल्का सा लूज वाला जो होता है वो डाला, और हल्का सा इस पे ना लेस वर्क काम किया है, ये देखिए लेस से मैंने, व्हाइट लेस से काम कर दिया, क्योंकि इस पे जो था ना ये सिल्वर वाला था ना बूटा, तो सिल्वर का ही काम करना अच्छा लगता है ज्यादा, तो इस वजह से सिल्वर का ही काम कर दिया, तो सिल्वर कलर से ही इसको काम किया है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आगे भी मैंने क्या किया, देखिए आगे इसको इस तरह से इसमें नेक में जो है वो ये देते हुए मैंने इस पे भी बटन, 4 बटन लगा दिए हैं, रेड कलर का बटन था रेड, और रेड पे हल्का सा ना व्हाइट या गोल्डन का शेड आ रहा था, इस तरह का व्हाइट का ही शेड आ रहा था, और इसे तो बहुत सुंदर सा लग रहा था, और इसके पूरे ही इस पे बूटे आ रहे हैं, ये देखिए पूरे ही बूटे आ रहे हैं, और इसको मैंने कलियों में तैयार किया है फ्रेंड, ये देखिए ये कली वाली ड्रेस बनाए हैं मैंने पूरे ही इसको ना, ये यहाँ पे जगह है तो काफी आपको मैं पूरा दिखा सकती हूँ, देखिए ये कलियों में बनाया है मैंने, तो इसमें 16 कली है फ्रेंड, इसमें 16 कली की मैंने ये ड्रेस बनाई है,
तो काफी फ्लेयर भी काफी आ गया है। और नीचे मैंने इसमें कॉटन की लाइनिंग दी है क्योंकि थिक जॉर्जेट था, थिक जॉर्जेट था तो थिक जॉर्जेट होने की वजह से इसमें जरूरी नहीं था कि कुछ और लगाना। वैसे तो मैं ये भी करती हूँ ना, तो कॉटन का ही लाइनिंग लगाती हूँ, लेकिन ऊपर के पोर्शन में चोली पोर्शन में मैं क्या करती हूँ ना, डबल लाइनिंग कॉटन के लगा देती हूँ। तो ये मैंने एक नया सीखा शुरू किया है जिससे कि मुझे दूसरा कपड़ा नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि कॉटन कपड़ा पहनने में अच्छा होता है, ब्रीदेबल कपड़ा होता है, पहनने में बहुत अच्छा होता है। और ये जो लेते हैं ना वो मतलब दूसरा कपड़ा तो वो नहीं अच्छा लगता है। तो देखिए ये 16 कली के मैंने ये बना लिए हैं 16 इसके, तो ये बूटे भी बहुत अच्छे से आ गए सब में, जहाँ जहाँ आना था जैसे आया उस तरह से, ध्यान रखते हुए कि बूटे ना कटे उस तरह से मैंने इसको देखिए ले लिया है। तो ये बूटे भी आ गए हैं, आगे ज्यादा और पीछे थोड़ा सा कम है, बूटे तो है लेकिन पीछे के पोर्शन में थोड़े से पीछे बैक पे पूरा है, लेकिन कलियों में एक दो आ गया है, किसी कली में एक है किसी कली में दो है, इस तरह से आ गया है बूटा। तो जितना जैसे आया वैसे मैंने डाल के इसको बना लिया है। तो ये देखिए कैसा बना, आप लोग जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा। देखिए ये तीज के लिए, वो दोनों तीज के लिए और करवा चौथ के लिए, ये बहुत ही बेस्ट फेस्टिवल ड्रेस है। साथ के साथ आप इसको जो है वो ये भी देखिए, साथ के साथ आप इसको जो है ना वो मतलब इस तीज में भी पहन सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा है, इसको आप चाहे तो मिडी ड्रेस जैसा भी यूज कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा मिडी ड्रेस जैसा भी। और इसके लिए मैंने फ्रेंड्स देखिए ये जो है ना मैंने मीशो से ना एक मल्टी कलर का दुपट्टे मंगवाए हैं, ये देखिए मल्टी कलर का मैंने दुपट्टा मंगवाया, मुझे बहुत अच्छा सा मिल गया। तो मैंने सोचा सिल्वर का सिल्वर है और सारे कलर हैं, तो देखिए अब इसको आप तीज में भी पहन, इस तीज में भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये अब ग्रीन हो गया ना, इसके साथ ग्रीन का भी बूटा हो गया और रेड भी है व्हाइट भी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ये लग रहा है दुपट्टा। तो मुझे ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था तो मैंने इसको इसलिए मंगा लिया। और इसके साइड में भी देखिए, साइड में भी जो है ना वो इस तरह का फुमन लगा हुआ है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बट मीशो से मैंने इसको मंगवाया हुआ है इस दुपट्टे को, बहुत ही खूबसूरत सा ये दुपट्टा हमारा। यदि प्लेन साड़ी आपके पास है तो इस तरह का ड्रेस आप बना सकते हैं, कलियों में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो ऐसे आप आराम से बना सकते हैं। मैं अब आपको एक बार इसको वियर कर, ये देखिए फ्रेंड ये इस तरह का तैयार हुआ है। इसका बाजू मैंने इतना ही रखा है और नीचे से देखिए इसको बिल्कुल लूज रखा है, जिस तरह से बेल स्लिप जैसा मैंने इसको लूज रखा है, और इस पे थोड़ी सी कॉर्सेलेस की काम किया है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और नेक पे मैंने देखिए इस तरह से कर दिया और ये छोटे 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 बटन लगा दिए हैं इसके बीच में, तो इसकी वजह से भी ये बहुत सुंदर आ रहा है। ये देखिए ये मेरा पूरा इस तरह से ड्रेस तैयार हुआ, ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएं। पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ इसका, ये देखिए बैक लुक भी बहुत अच्छा है, मैं इसको दिखाती, ये देखिए फ्रेंड इसका मैं फुल लुक दिखा रही हूँ, इसका फ्लेयर भी बहुत ज्यादा है, ये देखिए फ्लेयर बहुत ज्यादा है इसका, ये देखिए पूरा फुल लुक दिखा रही हूँ आपको। बहुत ऐसे आप बना सकते हैं इसको, आप ऐसे भी पहन सकते हैं मिडी जैसा भी इसको आप पहन सकते हैं, और इंडो वेस्टर्न में भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे भी आप पहन सकते हैं, पर फेस्टिवल के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। और देखिए इसके साथ जो मैंने आपको दुपट्टा बताया ना, मैंने दुपट्टा जो ये लिया है इसके साथ, ये बहुत ही सुंदर खिल के आता है। मैं एक बार आपको इस दुपट्टे के साथ भी दिखा देती हूँ, ये देखिए इस दुपट्टे के साथ ये कितना अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए इस दुपट्टे के साथ इसका तो और चार चांद लग जाता है, तो आप वैसे भी प्लेन दुपट्टा भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे यदि मल्टी कलर व्हाइट में यदि मल्टी कलर मिल जाए दुपट्टा ले ले, ज्यादा का नहीं है कॉस्टली, 150 या 170 का होगा ये दुपट्टा। तो इसके लिंक यदि मुझे मिले तो मैं जरूर डाल दूंगी, अभी ही मंगाया है, लिंक होगा मेरे पास तो मैं जरूर डाल दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, ठीक है। और इसको आप रेड के साथ भी पहन सकते हैं, तब भी आप इसको ये ले सकते हैं, क्योंकि इससे तो लेने से आपको ये नहीं लगेगा कि पूरा ही रेड 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 हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और पहन सकते हैं, देखिए फ्रेंड कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और जरूरी नहीं है कि ऐसी आप साड़ी से ही बनाए, यदि आपके पास ऐसी साड़ी नहीं है तो आप कपड़े लेके भी बना सकते हैं, जॉर्जेट के कपड़े भी आम मिलते हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो आप उससे भी लेके बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप लेके मतलब ऐसे भी आप कपड़े लेके भी बना सकते हैं, दूसरों कॉटन के कपड़े भी, या फिर आजकल तो कई तरह के कपड़े आए हुए हैं, ठीक है, तो उस तरह के भी आप ले सकते हैं कॉटन कपड़े, थोड़ा फ्लोई कपड़े में ज्यादा अच्छा लगता है, तो उस तरह से कपड़े देख के आप कपड़ा का भी बना सकते हैं। इसके साथ देखिए ये नीचे भी लगा हुआ है, चारों तरफ ये वाली लेस लगी हुई, बहुत अच्छा खूबसूरत सा ड्रेस बन के तैयार हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए, होगा थोड़ा भी पसंद आया हो मेरा वीडियो तो आप लोग जरूर इसको जो है वो लाइक करिएगा, और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको कैसा लगा।
लगा। और मेरे जब इसको जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल के साथ कनेक्ट करें ताकि आगे की भी मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।